रूम में आ गए, जो कि बाबा साहब काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए हमको दिखे थे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो स्टैचू है जो काफी ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, और कुछ संविधान की पंक्तियां हैं जो लिख रहे हैं बहुजन समाज की दिशा और दशा बदलने के लिए। आप देख सकते हो किताब है डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल 26 अलीपुर रोड, यहाँ का जो नज़ारा है हम आपको दिखाएंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को पुण्य निर्वाण हुआ था, और साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पर याद किया जा रहा है। और तमाम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो तमाम बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को चाहने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ अभी एक VIP एंट्री भी यहाँ से हो रही है, जो वो भी होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल तमाम यहाँ साथी मौजूद हैं, और ये मेन गेट है अंदर जाने का म्यूजियम में, और इधर कोई कार्यक्रम चल रहा है, और उसमें बहुजन समाज के तमाम लोग शरीक हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। आगे हम आपसे बातचीत करते हैं, आइए हमारे साथ। म्यूजियम में अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संघर्ष दर्शाया जा रहा है कुछ चित्रों के, कुछ वीडियो के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के तमाम यहाँ पर संघर्ष दोहराए गए हैं, और किस तरीके से उस समय का बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन काल रहा। और यहाँ पर भी एक वीडियो चल रही है, और यहाँ पर भी कुछ तस्वीरों के माध्यम से बाबा साहब के से जुड़े हुए तमाम जो दृश्य हैं वो दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आइए हम आपको पूरा जो म्यूजियम है वो हम आपको दिखाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के पूर्णिमा दिवस के मौके पर। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी तमाम अद्भुत जो चित्र हैं वो इसमें आने का काफ़ी ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर जी के तमाम संघर्षों से जुड़ा हुआ यहाँ पर तस्वीरें हैं। अम्बेडकर जी बड़ोदरा पर एक संकल्प लेने के लिए बैठे हुए थे, जहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया था उसका ये तस्वीर है, और यहाँ पर दर्शाया गया है। और पेड़ भी है तमाम, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा भी है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं, बाबा साहब ने यहीं बैठकर संकल्प लिया था। और जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग ही तरीके से ऐसा लग रहा है। अच्छा, सामने से आपको दिखाएं, सामने देख लीजिए। बढ़िया, तो अभी हमारे साथ ही मिल चुके हैं, और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दामूक नायक, जो मीडिया में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साफ कहा था कि जब तक बहुजनों का मीडिया नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, बाबा साहब ने उस संघर्ष को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर भी जनता मूक नायक तमाम जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की तरफ से इस म्यूजियम को देखें और संघर्ष को जानें। जी जी, हाँ तमाम। अभी मैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, और लोगों से मैं बाद में बातचीत करूँगा। सब राम साहब ने कहा था कि मीडिया बिना कुछ नहीं हो सकता, बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को दिखाने के लिए मीडिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस जमाने में, अपने ज़माने में जनता पत्रिका, तमाम मूक नायक जैसे तमाम अखबार बहुजन समाज के लोगों के बीच लाए, और उन्होंने बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए एक ये माध्यम ढूँढा। उसकी कुछ तस्वीरें छायाचित्र आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और लोगों से आइए। और 26 जनवरी से बाबा साहब का गहरा संबंध रहा है, 26 जनवरी, 26 अलीपुर रोड, 26 नंबर, और आई थिंक डॉक्टर नेल्सन मंडेला 2600 तक जेल में रहते हैं। आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब ने साइन किया बैक साइड में, वो भी 26 नंबर पे किया, तो महापुरुषों का कितना बड़ा इंटरलिंक था। और ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, प्रथम डिफेंस सरदार बलदेव सिंह, प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। आज का जो आप एम्स देखते हैं ना सर, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन उन्होंने अपनी प्रेस एसेट्स भेजी थी कि ऑल इंडिया बनना चाहिए। होता क्या है कि उस टाइम जो गवर्नमेंट का जो फंड है वो कई चालों में पास होकर आता था। इवन आज भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष के बारे में बताया जा रहा है, एक यहाँ के जो गाइड हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक भाषण देते हुए दिखाई दे का जो अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर म्यूजियम है, यहाँ का जो पूरा जो नक्शा है, छायाचित्र है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। किस तरीके से पार्किंग है, किस तरीके का जो नज़ारा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा सफाई से, काफ़ी ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है, और बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों की इस समय आँखें नम हैं। आइए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के कुछ संघर्ष से जुड़े हुए तस्वीरें, छायाचित्र आपको देखने को मिल रहे होंगे। पूना पैक्ट जैसे तमाम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी थे वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीरें उधर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का घर आप कह सकते हो। यहाँ पर बाबा साहब जैसे ही कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ रहने लगे,
और उन्होंने अपना जो सरकारी बंगला है वो छोड़ा और यहाँ पर अपना एक घर बनाया और वो इस समय अम्बेडकर म्यूजियम के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। आगे हम चलते हैं। फ्लोर है जो कि यहाँ पर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के तमाम संघर्षों के वस्तु, तमाम तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को तमाम कमेटियों को भेंट किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पर संविधान बनाकर उन्होंने तैयार किया और लोगों के बीच आज पूरा भारत देश उस संविधान की चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी से जुड़े हुए कुछ तस्वीरें हैं ग्राउंड फ्लोर पर और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी भी कुछ तस्वीरें हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ संघर्ष करते हुए दलित उपेक्षित लोग हमको देखने को मिले थे और वहाँ वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ। और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस तरीके से परिनिर्माण हुआ था, महापरिनिर्माण हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, वो कुछ तस्वीरें यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। आइए आप देख लीजिए किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आखिरी सांस ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन जो सैलाब उमड़ा था, जो भारत देश के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आँखें नम थी, वो यहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है बीमिशन टीवी पर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और जो लोग यहाँ पर नई आए हुए हैं उनको ये वीडियो पहुँचाएँ और उनको दिखाएँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस तरीके से संघर्ष किया था। डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल, प्लीज डोंट टच एनीथिंग, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंसेस, प्लीज मेंटेन। अभी फिलहाल हम उस रूम में आ गए जो कि बाबा साहब ने काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए हमको दिखे थे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो स्टैचू है जो काफी ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर और कुछ संविधान की पंक्तियां हैं जो लिख रहे हैं बहुजन समाज की दिशा और दशा बदलने के लिए। आप देख सकते हो किताबें भी हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा, यहाँ पर बैठा करते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। हमने आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी का संघर्ष करते हुए जो दृश्य थे वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के म्यूजियम में रखे हुए थे तस्वीरें दिखाई। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी जगह पर संघर्ष किया था, एक तरह से बाबा साहब जी का घर भी कह सकते हो। और इस घर को संविधान के रूप में बनाया गया है जो कि इस भारत देश का संविधान दलित उपेक्षितों का हक अधिकार उसमें लिखा हुआ है और उसको पढ़ें और जानें। भाई अभी फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये घर था, इसके बारे में क्या राय आप नीला कमेंट में देना। अम्बेडकर जी को नमन, धन्यवाद।